अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना तनवीर और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज़ एसडी। मैं आज जौहर टाउन के इलाके में मौजूद हूं, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग फैमिलीज़ आए हुए हैं। हम उनसे कुछ चंद सवाल करेंगे और उनसे चटपटी सी करेंगे बातें। चलें जी, हमारे पास एक स्टूडेंट मौजूद है, हम इनसे कुछ कॉमन साइंस के बारे में सवाल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप स्टूडेंट हैं? सर सर आप क्या कर रहे हैं? बी कॉम कर रहे हैं। सर आपकी कॉमर्स साइंस कैसी है, हम ये चेक करना चाहेंगे। हमारा आपसे सवाल है कि वो क्या है जो औरत के पास चार हैं और मर्द के पास तीन होते हैं? औरत के पास चार, मर्द के पास तीन। जी जी जल्दी बोलिए, क्या सोच रहे हैं आप? सोचते हैं बहुत कुछ रहा हूं, लेकिन वर्ड्स ना यार, वर्ड्स। सर ये बहुत ही कॉमन साइंस का सवाल है। औरत में चार वर्ड्स होते हैं, मर्द में तीन वर्ड्स होते हैं। ये यही जवाब है, औरत में चार वर्ड होते हैं और पुरुष में तीन। वेल गुड, आपका जो आंसर है वो बहुत बिल्कुल ठीक है। सरकार ने इसकी तरफ से आपका अप्रिशिएट किया जाता है। थैंक यू सो मच। कॉमन साइंस का क्वेश्चन पूछते हैं, पहले अपन इनसे इनका नाम पूछ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नेम है आपका? दाऊद। दाऊद माशाल्लाह, क्या क्वालिफिकेशन आपकी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। माशाल्लाह जबरदस्त। आपकी कॉमन साइंस कैसी कैसी है जी? कॉमन साइंस आपकी कैसी है? पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो क्या है जो औरत में चार होते हैं और मर्द में तीन होते हैं? सोचिए जरा, कॉमन साइंस बहुत अच्छी हो गई। औरत में चार है और मर्द में तीन। जी जी सोचे सोचे। चलें मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा दरख्त है जिस पे इंसान नहीं चढ़ सकता? ये रहा, जिस पे इंसान नहीं चढ़ सकता? भाई सॉरी जी, फिर भी आप सोच लें यार, कुछ शेयर करना। अच्छा आप क्या सुनाना चाहेंगे, सॉन्ग वगैरह? नहीं, कुछ शेर वगैरह है एक की मोहम्मद से वफा तू ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम भी तेरे हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमारे पास एक और इस वक्त स्टूडेंट मौजूद हैं, हम इनसे कुछ कॉमन साइंस के बारे में सवाल करेंगे। तो आप पहले हम इनसे इनका नाम पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नेम क्या है? मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नाम है। हम आपकी कॉमन साइंस के बारे में आपसे एक क्वेश्चन सिंपल आपसे पूछना है, क्या वो क्या है जो औरत में चार हैं और मर्द में तीन है? आप क्या करते हैं? क्या नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा आप मैट्रिक हैं? आपकी तो ये आप सोचें आप क्या इसका आंसर होगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास मौजूद है कुछ स्टूडेंट, हम इनसे भी वही कॉमन साइंस के सवाल पूछेंगे जो हमने प्रीवियस स्टूडेंट से पूछा था। पहले हम उनसे इनका नाम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नेम? कामरान इत्तेफाक। कामरान इत्तेफाक, माशाल्लाह। अच्छा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? एफ एस सी, माशाल्लाह। अच्छा यार आप कॉमन साइंस कैसी है? अल्लाह ही आफत है। हम एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको उसका आंसर देना होगा। जी जी, हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि वो क्या चीज़ है जो औरत में चार है और मर्द में तीन? ये मेडिकल का लग रहा क्वेश्चन, तो इसके नो 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 कॉमन साइंस है भाई, सही बात है। ये मेडिकल का औरत में चार होते हैं और मर्द में तीन होते हैं। मर्द में तीन होते हैं, चार होते हैं। अच्छा चलो ये रहने दें, ये रहने दें। हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कौन सा दरख्त है जिस पर इंसान नहीं चढ़ सकता? वेल डन। जी नाज़रीन आप देख रहे हैं, इसने बहुत ही अच्छा स्टांस दिया है और ये बिल्कुल राइट है। सरकार ने उसकी तरफ से इस आप क्या प्रोग्राम देना चाहेंगे? किसी भी तरह के और बच्चों के लिए ये पैगाम है कि बच्चे अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से करें, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए वो अपने दिन रात सेव करें। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट मौजूद है, हम इनसे भी कॉमन साइंस के सवाल करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं इनके क्या नाम है और ये क्या करते हैं और इनकी कॉमन साइंस कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैथ्स।
नाइन्थ क्लास में। ज़बरदस्त, आपकी कॉमर्स साइंस तो अच्छी होगी। अच्छा, आपका नाम क्या है? ताहिर महमूद। ताहिर महमूद, आपकी कौन सी क्लास है? एफएससी पार्ट वन। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, हम आपसे कुछ कॉमन साइंस के एक एक सवाल है, आप दोनों ने बताना है हमें कि वो क्या है जो औरत में चार हैं और मर्द में पाँच हैं। था तुम हो तो क्या और मांगो मेरी जिंदगी में, मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा मुकर जाइएगा, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये वक्त मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, बड़ी चाल सीधी है रूठे दिलों की, बिछड़ कर कभी फिर वो मिलते नहीं हैं, मोहब्बत की डोरी वफाओं के धागे अगर टूट जाए तो जुड़ते नहीं हैं। ज़बरदस्त, क्या कहते हैं, सच कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट की कमी नहीं। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत आवाज़। चलें चलें जी नाजी, हमारे पास छोटे से नन्हे नन्हे से बच्चे हैं, हम इनसे पॉइंट्स सुनेंगे, इनसे नाम पूछेंगे इनका, और इनसे पूछेंगे ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बहुत प्यारा जवाब है। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम सलाम, आपका नेम क्या है? मानो। अच्छा, घर में पढ़ते हो? अच्छा, क्या सुनाओगे आप? पोइम्स। अच्छा, कौन सी पोइम्स सुनाओगे? ऊँची बोलो जी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ वंडरफुल यू आर, हाउ वंडरफुल यू आर, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास मौजूद है हमारी टिकटॉक स्टार आलिया रियाज, हम इनसे पहले तो क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद इनसे हम सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अलग रियाज, देखते देखते आप इतनी फेमस होगी, कैसे होगी? बस ऐसे मेरे भाई थे, वायरल होगी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या बताएंगे आप जी? अच्छा अच्छा, तो मुझे बताएं कि वो क्या, वो कौन सा दरख्त है जिस पर इंसान नहीं चढ़ सकता? ज़बरदस्त, वेल एंड गुड। इसका आंसर बिल्कुल। अच्छा, आप कैसे करोगी? मैं पंच जी। आलू के चाला मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, गाजर ने प्यार किया हंसी। जी नाज़रीन, हमारा का वक्त इख्तिताम को पहुँचा अल्लाह ने के बाद जवाब। जी, आज के हमारे सवालों के जो जवाब थे, मेरा पहला सवाल था कि वो क्या है जो औरत के पास चार हैं और मर्द के पास तीन है, तो उसका जवाब था हरूफ, कि औरत के हरूफ में चार अदद होते हैं और मर्द के हरूफ में तीन होते थे। और हमारा दूसरा सवाल था कि वो क्या है, वो कौन सा दरख्त है जिस पे इंसान नहीं चढ़ सकता, तो उसका आंसर है वो केले का दरख्त था। थैंक यू सो मच, देखते रहें सरकार न्यूज़।